और सबकी हो गई पूरी, ठीक है। तो एक जो लास्ट काम रहता है हमारा उसको हम लोग कर लेते हैं। हमको लगता है कि एक राउंड का जो डिस्कशन हुई थी, जो प्रोजेक्ट्स के बारे और एक्टिविटीज़ के बारे डिस्कशन हुई थी, तो उसको ग्रुप में भी शेयर किया होगा और आपने सोचा भी होगा और आपने अपने लिए अपनी भागीदारी को पहचाना भी होगा कि किस तरह की एक्टिविटी में, प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें लीड ले सकते हैं। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि एक एक करके आप में से जिन्होंने भी सोचा है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, उसकी डिटेलिंग करने का काम, उसके लिए जो टीम बनाना है या पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है उसको कैसे करेंगे उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो एक राउंड जो भी हम 20-25 लोग हैं यहाँ पे तो वो कर लेते हैं। अपना नाम या तो लीड वॉलंटियर में या टीम में हाँ, कर दे, तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। हाँ, उसको इधर ही नोट कर दे। हाँ, अच्छा, अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा है कि जितनी एक एक प्रोजेक्ट की टीम बनती है उसकी फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट मीटिंग का डेट तय कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो उसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, और अगर ये काम बच जाता है ना तो हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग कर लें जिसमें इस काम को पूरा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जितना टाइम है उतना टाइम में कर लें। एक साइड से शुरू कर लेते हैं हम लोग, तो दीदी आपके यहाँ से शुरू करते हैं। शायद भैया चलो अभी थोड़ा शादी की जिम्मेदारी में एमपी का काम है, एक्सटेंशन वाला जो काम है ना उसको लिखा हुआ ही होगा यहाँ पे। नहीं, ये तय हो गया। हाँ, हो मतलब दो मोड हो सकता है भैया, एक तो ये कि हम व्यक्ति वाइज जाए या प्रोजेक्ट और एक्टिविटी वाइज जाए। जो व्यक्ति वाइज जाएंगे तो अच्छा रहेगा, व्यक्ति वाइज जाएंगे ना तो बहुत सारा बोलना पड़ेगा, 12 मिनट होगा। और कई बार ऐसा होगा कि अभी आदमी सोचा नहीं तो दबाव भी उसको बोलने की, मुझे बोलना है ये कोई दबाव नहीं है, दबाव ये बोल सकते हैं कि जो व्हाट्सएप पे डिटेल आई है उसको अभी भी देख सकते हैं या पहले देखे हुए हैं तो उस हिसाब से अपने चेक करके बता सकते हैं। एक करके भी देखते हैं, हमको भी आइडिया लगेगा ना सर, उसके हिसाब से भी इवैल्यूएट कर पाएंगे भी ऐसा क्या पता हम अंडर एस्टिमेट ही करके सब तय कर लिया। तो हम लोग एक राउंड करके देख लेते हैं। देखार भैया वैसे मॉर्निंग सेशन जो चलते हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, बट अभी हमको ऐसा लगता है वो काफ़ी सारी जगह खाली है, तो जो है वो उसको अभी दिलशाद भैया पिताजी बने हैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले, तो थोड़ा हमने इनको रिलैक्स भी किया हुआ है, छुट्टी पे हैं एक तरह से, बट ये मॉर्निंग सेशन वाला काम करते हैं अभी और फ्रेश सोच के। जैसे वो राजू भैया भी कह रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन वाला काम, उसमें भानु भैया के मेंटरशिप में उपासना दीदी के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे। तो प्रिया दीदी तो हमारे जो ऑनलाइन FTP चलते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, एक इंग्लिश की लैंग्वेज में, एक हिंदी की लैंग्वेज में, तो इंग्लिश हिंदी का जो सारा कोऑर्डिनेशन का काम है कोई यहाँ पे जिम्मेदारी ले लिस्ट करने कोई वो चरण जी दिखाएं आप आ जाइए इधर आप कर लीजिए मेरे को बात नहीं चाहिए इस पे बात नहीं मैं घूमने रहना पड़ेगा उसके तो प्रिया दीदी एक तो ऑनलाइन वर्कशॉप में हिंदी के जो वर्कशॉप्स हैं उसका सारा कोऑर्डिनेशन का काम देखती हैं और साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन की बात हमने की पिछले 2 दिन में भी की बात, तो उसका भी सारा जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो करती हैं। और हमको उसमें कोऑर्डिनेशन के प्रोजेक्ट में मुख्य जिम्मेवारी इनकी है, बट हमको हर रीजन से ऐसे एक एक दो दो वॉलेंटियर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, तो 8-10 लोगों की टीम मिलकर फिर उस काम को कर पाएंगे। मेरा इंटरेस्ट है वो स्वयं का UHV 3 का कोर्स और दूसरा हेल्थ का। अच्छा, ठीक है। तो पूजा से स्वयं का कोर्स UHV 3 का और
ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तो प्राइमरीली हम लोग लीड वॉलंटियर्स पहचान रहे हैं, जो लोग अपने इनिशिएटिव पे लीड लेते हुए प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी को चलाएंगे आगे, लेकिन ऐसा हो सकता है और होता ही रहेगा पैरेलल में आप बहुत सारे और दूसरे प्रोजेक्ट्स में एज टीम मेंबर भी हों, है ना, तो वो तो चलता ही रहेगा। आप कहीं पर लीड वॉलंटियर हैं, कहीं पर आप टीम मेंबर हैं, है ना, कहीं पर कोई टीम मेंबर है तो वो लीड वॉलंटियर है, तो ये परिवार है, तो इस तरह से ये है, तो वो ऑडियो वीडियो एडिटिंग का काम तो चलता रहेगा, बट ये हेल्थ वाला। जी जी, तो शर्मिला दीदी के साथ वो आप हेल्थ वाला। आप प्राजिता दीदी, आपका हाँ, एक जो AICT की रिपोर्ट, 5 सालों की रिपोर्ट का काम हो रहा है वो, प्लस न्यूज़लेटर का भी काम एक आप करेंगे, वो उसका एक सब सेक्शन ही है, और जब न्यूज़लेटर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो फिर हमको सालाना रिपोर्ट बनाने में समय नहीं लगेगा, है ना, तो वो एक ही चीज़ के दो पार्ट हैं, तो उसको करेंगी, कर भी रही हैं तो उसको करेंगी। हाँ, वीडियो एडिटिंग के साथ हेल्थ हेल्थ का कोर्स जो है वो ली थी। वीडियो एडिटिंग नीचे है हेल्प करिए, हेल्प करिए, हां हेल्प करिए, हेल्प करिए, उसमें भी करने दीजिए नहीं, अपराजिता जी के लिए भी लिख दीजिए भैया, अपराजिता जी भी कर रही है, व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है ना, तो उसमें ये आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है कि वो एज ए टीम, एज ए हेल्प की तरह अपने को ऑफर कर रहा है या एज ए टीम की तरह ऑफर कर रहा है, दो कॉलम बनाना है, दो कॉलम बनाना है, अभी वैसे देख लें, मतलब इतना बाइफर्केशन हम कर पाएंगे तो अच्छी बात है, कई बार आदमी को नहीं भी होता, जब वो 2-4-5 मीटिंग में आएगा तो आइडिया ले जाएगा कि मैं इसमें लीड में हूँ या मैं इसमें, कई बार टीम मेंबर होता है पर उसको अपनी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं होता, तो मोटा मोटा भी कैप्चर कर लें हम एक बार, ठीक है। तो रजनी दीदी और मनीषा दीदी, भैया मैं प्रियादर्शनी के साथ में टीम में आना चाहती हूँ, कोऑर्डिनेशन ऑनलाइन हिंदी वर्कशॉप, ठीक है। वैसे जो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है अमृतसर में, वहाँ पे काफ़ी सारी UHV के काम को लेके सीरियसनेस है, और हम लोगों ने थोड़े दिन पहले या बहुत लंबे समय से ये फील भी रहा है हमारे पास कि कुछ नूडल सेंटर हर रीजन में तैयार हो। जी जी भैया, सेल्फ फाइनेंस जो MVP प्रपोज्ड है उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें भी वॉलंटियर ले सकते हैं, और स्टूडेंट वाली जो डेवलपमेंट प्रोग्राम उस पर ट्रांसलेट वगैरह का अभी तो है ही, तो सेल्फ फाइनेंस जो FDP है तो उसमें लीड वॉलंटियर की, प्रोजेक्ट बनाने वाला काम एक लेवल का पूरा हो गया, उसमें रिफाइनमेंट चाहिए, हम लोग वॉलंटियर्स को शेयर करेंगे और उनके सुझाव के साथ, राजू भैया के सुझाव के साथ हम वो डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लेंगे, कल जिसका प्रेजेंटेशन किया था। अब वो प्रोजेक्ट जब कम्प्लीट होता है तो उसको जो चलाने की जिम्मेदारी है वो फिर हम एक्टिविटीज में आ जाएगा वो, है ना, तो उसको फिर आप चलाएंगे। स्टूडेंट वर्कशॉप में जी, विजय भैया जी बताइए, कुछ आपने सोचा या सोच पाए या अभी और समय चाहिए? समय चाहिए, समय चाहिए, ठीक है, बढ़िया। भैया वो हिंदी का जो 9th से 12th तक क्लासेस का चल रहा है उसमें मैं पार्टिसिपेट देना चाहता हूँ, और मुंशी भैया के साथ यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन में भी हूँ, तो उसमें और आगे भागीदारी के लिए तैयार हूँ। अभी भी हैं आप, कर लिया उसमें? जी भैया, भैया ने जोड़ रखा है। नहीं अभी आप मेंबर मीटिंग में बुलाया था आपको ना, भैया कुछ और पूछ रहे थे, अभी उसमें नहीं है। पहले तो मुख्य रूप से लीड आप इसमें ले सकते हैं। हाँ, ये जो TC वाला पार्ट है 9-12 वाला, उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी उसमें आगे बढ़ते हुए वॉलंटियरिंग काम आ रहा है, स्कूल एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन में जो है मीटिंग मेंबर के रूप में डालें। जी ठीक है,
महेश भैया मेरा तो आज से उसी का जो मीटिंग है उसमें मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ अपना फेस टू फेस जो है एथलीटी कैप्स पे भी मैं मिल रहा हूँ और वो जो स्वयं का जो कोर्स है साइकोलॉजी का उसके ऊपर तो मैंने मिला अच्छा उसमें ठीक अभी तीनों देख लीजिए तो फिर है ना हम लोग वो जो स्वयं का कोर्स है साइकोलॉजी वाले कोर्स ऐसे लीड करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी जो है और आप जो सेल्फ फंडेड एफडीपी हैं उसमें भी टीम मेंबर हैं उसमें भैया ने कंट्रीब्यूशन किया है और यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेशन का काम वेस्टर्न रीजन की तरफ से आप देखते हैं ठीक है महेश जी को वहाँ का पूरे वेस्टर्न रीजन के कोऑर्डिनेशन वाले काम के लिए जी जी जो यूसी कोऑर्डिनेशन है मतलब पूरा ओवरऑल वेस्टर्न रीजन का कोऑर्डिनेशन उसमें लीड में लिख लीजिए वही भैया जो फेस टू फेस का काम कर रहे हैं उसमें एक आप कर बोल रहे हैं वेंडर की जरूरत जी तो भाई भैया के साथ मिला सकता हूं और इनके ठीक है सही काम कर रहे हैं सही काम एफटीपी एफ टू एफ सर फाइनेंस में हां शिव भैया भैया अभी सोच रहा हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए मैं अनिल भैया से मैं कॉर्डिनेट करके बताऊँगा आपको जैसे कल हम दोनों लोगों से बात हुई थी साथ साथ प्रियदर्शनी जी से और शिव जी से तो ये जो ऑनलाइन हिंदी वर्कशॉप का जो कोऑर्डिनेशन है उसका इन्होंने ज्वाइंटली जिम्मेदारी ली है ये बड़ी जिम्मेदारी है परिवार के रूप में बाकी सॉफ्टवेयर वाला क्या कर सकते हैं वो बात करते हैं और प्रिया दीदी को बहुत सारा जो वातावरण देने का काम है वो भी ये कर ही रहे हैं तो उस कारण से भी वो कर पा रही हैं काफ़ी सारा तो वो कर रहे हैं बट और कॉन्क्रीटली भैया क्या कर सकते हैं उसको सोच के हाँ तो अब ये दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है वो जी तो ऐसा नहीं कि प्रिया जी के काम में सपोर्ट कर रहे हैं जी राय भैया आप मैं अभी तक तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी का काम रहा है मतलब फेस टू फेस वर्कशॉप का रहा है तो फेस टू फेस वर्कशॉप में जो जिम्मेदारी रहेगी ऑनलाइन हिंदी वर्कशॉप में प्रिया दीदी के साथ करना होगा राय जी को जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी या तो लीड वॉलंटियर की तरह या टीम मेंबर की तरह उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा है उसका इंटरेस्ट भी है अभी भी उस पर काम करते रहते हैं तो वो एक एरिया है जिसमें ठीक से ये काम कर सकते हैं अभी बात कर लूँगा अभी राघवेंद्र जी उसको देख रहे हैं तो या तो उनके साथ आप टीम मेंबर की तरह कर सकते हैं या फिर लीड वॉलंटियर के रूप में भी उसको आप सोच सकते हैं आगे चलकर और एच के राय जी जो मॉर्निंग सेशन के 1, 2, 3 का प्रोजेक्ट है ना उसको उसको देख रहे हैं और उसमें अभी जो लोग वीडियो कटिंग कर रहे हैं इसमें निधि जी ने वॉलंटियर किया है इसको निधि दीदी से बात हो गई है उस पर थोड़ा काम चल रहा है निधि दीदी के साथ और मिलकर करके तो जितना भी काम हो गया उसको अनिल राजेश जी सुधर जी एक तो चरणजीत भैया के साथ मिलकर के ट्रांसक्रिप्ट वाला काम को और आगे बढ़ाना और एक वीडियो एडिटिंग और मनोरंजन भैया के साथ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का तो ये काम के बारे में सोचा है वो जो चरणजीत भैया का ट्रांसक्रिप्ट वाला काम है ना तो उसको ऐसे कर सकते हैं तो चरणजीत जी को अगर हम उस काम से फ्री कर देना ट्रांसक्रिप्ट स्टूडेंट वर्कशॉप की ट्रांसक्रिप्ट तो फुल टाइम फेस टू फेस वर्कशॉप जो है उसका काम देख पाएंगे अभी नया नया शुरू हो रहा है बड़ा काम है करीब करीब 100 वर्कशॉप उनको लगता है एक साल में हो सके महीने की 8-9 वर्कशॉप तो एक बड़ा जिम्मेदारी है तो आप उनको थोड़ा फ्री कर देंगे और साथ मिलके नहीं अब उसको आप जो है पूरा जिम्मेदारी से लिए लेके करेंगे तो तभी होगा नहीं ठीक मुंशी भैया
जो आदेश कर दें, हमारी कैपेबिलिटी आपको पता है। एक तो आपका तो यूसी वाला जो काम है उसको बिल्कुल बढ़िया से करेंगे तो अच्छा। ठीक है, तो मनीषा दीदी के साथ यूसी मीटिंग और कुछ कर सकते हैं तो उसको जरूर बताइए। तो फेस टू फेस वाले में भी मेंबर बना लें। हाँ तो भैया एक तो यूसी मीटिंग का जो मुख्य काम है वो मुंशी भैया के साथ और मनीषा दीदी के साथ ये है, और इन दोनों की पूरकता भी अच्छी है। कुछ चीजें बाय कॉम्पिटेंस मनीषा दीदी नहीं कर पाती हैं, कुछ चीजें बाय कॉम्पिटेंस मुंशी भैया नहीं कर पाते, तो दोनों की जोड़ी भी जम गई है ठीक से। और इन्होंने 100 से ऊपर यूसी मीटिंग करवा दी है, ये बड़ी बात है अपने आप में। तो उस तो आज के दिन इनके पास स्टेटस रहता है कि किस रीजन में है ना, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, कि उनको फ़ोन करते हैं तो पहचानते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। फेस टू फेस वर्कशॉप का टीम के सेल्फ फाइनेंस में कर और मतलब उसी के तहत दिल्ली में सर जामिया यूनिवर्सिटी में कल शेयर कर रहे थे, जामिया यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर करवा दिया, और अब जामिया हमदर्द का होपफुली इस महीने हो जाएगा। जेएनयू में अभी कुछ मैंने किया क्योंकि वहाँ भैया है तो सोचे कि उन्हीं से कहेंगे। डीयू में मैंने लेटर भिजवाया है। महाराष्ट्र के तीन भैया लोग मिल गए हैं तो तीन यूनिवर्सिटी कवर होगी, नागपुर, अमरावती और एक भारतीय विद्यापीठ जी। और दूसरा ये फैमिली वर्कशॉप में काम करना चाहूँगा। कौन सी फैमिली वर्कशॉप? फैमिली उसके हिसाब से थोड़ा वो छोटा रोल है तो थोड़ा और बड़ा रोल आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको भी हम लोग कर पाएंगे।